महाराष्ट्र के बदलापुर में 12-13 अगस्त को स्कूल में दो बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आरोपी ने जांच के लिए ले जाते समय पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर जवान पर फायरिंग की थी। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उस पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक 24 साल के आरोपी की पूर्व पत्नी ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। इस मामले में जांच के लिए पुलिस उसे तलोजा जेल से बदलापुर ले गई थी। वापस लौटते समय पुलिस की गाड़ी ठाणे में मुम्ब्रा बाईपास पर थी, तभी आरोपी ने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे की कमर से रिवॉल्वर छीनकर 3 राउंड फायरिंग की। इसमें एक गोली API मोरे को लगी। तभी एक अन्य पुलिसकर्मी ने आरोपी पर एक गोली चलाई। API मोरे और शिंदे को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शिंदे को मृत घोषित कर दिया। देखिए, ये जो आरोपी था, इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस के बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है।